हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और यूपीएससी सी सेट की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वेन डायग्राम पे बेस्ड सी सेट में। तो अब बात आती है क्वेश्चन आता कैसा एग्जाम के अंदर। तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम पे बेस्ड। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो बेटा दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम पे बेस्ड। एक तो होगा कि आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उनके बीच का रिलेशन आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो वेन डायग्राम आपके ऑप्शन में गिवन होंगे और आपको बताना है कि हाँ जी इनके जो रिलेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम क्या बनेगा। ठीक है, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपको एक वेन डायग्राम गिवन होगा और उसके बेस पे क्वेश्चन होगा, कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना है कि इस वेन डायग्राम में से कौन सी वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम एक वास्ट टॉपिक है, तो इसके अंदर क्वांट के अंदर अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके कैसलेट बेस्ड क्वेश्चन वेन डायग्राम पे बन जाते हैं। वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कैसलेट्स। ठीक है, तो आज लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम के अंदर डायग्राम बनता क्या है बेसिकली। तो वेन डायग्राम बेसिकली है क्या कि जो रिलेशन है उसको आप पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अब ये इस तरह के कुछ डायग्राम्स जो कॉमन है जो देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपके पास में पता होना चाहिए आप लोगों को कि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि हाँ जी तीन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब अगर मान लो मैं कहूं कि सारे के सारे अपने पास में स्टेटमेंट आ जाती है ऑल ए आर बी, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि जो ए है उसका सर्कल अंदर होगा और उसके बाहर आ गया आपका बी का सर्कल। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, तो सी का सर्कल कहाँ आ जाएगा, उसके बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। सेम वे अगर तीन ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो वो तीनों को हम डिफरेंट डिफरेंट दूर दूर रखेंगे। दैट मीन्स कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड आता है आपके पास में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सम का रिलेशन। दैट मीन्स कि सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब यहां पे देखिए, एक तो ये वाला आपके पास डायग्राम है, सेम वे बेटा ये वाला जो डायग्राम है ये भी सम का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब यहां पे जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो कंफ्यूजन क्या है कि सम का रिलेशन अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि ये वाला आंसर आएगा या फिर ये वाला आएगा। तो देखो ध्यान रखना कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में सम का आ रहा है, बी का रिलेशन सी के साथ सम का आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। बट कब, जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उस केस में हम ये सेलेक्ट करेंगे। बट अगर ए और सी के बीच में रिलेशन है और तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन बन रहा है तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे। ओके, तो अब आप समझ रहे हो ना कि अगर आल है, आल दैट मींस कि आल वाला सर्कल अंदर बनेगा, ठीक है, बाहर दूसरा सर्कल बनेगा। सम, सम दैट मींस कि कुछ पार्ट उसके अंदर कॉमन रखना है। तो इस तरह से अपने पास में कुछ ही वेन डायग्राम है, तो इस रिगार्डिंग आप देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनमें से आप सेलेक्ट करोगे। ओके, तो देखो अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि रिलेशन बताओ, यहाँ पे है फूड कैरेट एंड वेजिटेबल। फूड कैरेट और वेजिटेबल के अंदर बेटा आपको रिलेशन बताना। तो आप देखो कैरेट क्या है, वेजिटेबल है। दैट मीन्स ऑल द कैरेट्स आर वेजिटेबल्स। देखो सोचने का थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है उसको डिफरेंट तरीके से लेना। ऑल द कैरेट्स आर वेजिटेबल, दैट मीन्स व्हाट, कि भी जो कैरेट है वो वेजिटेबल के अंदर आएगा, सारे के सारे कैरेट वेजिटेबल है। दूसरा, अब अगर हम बात करें फूड, तो अब चाहे कैरेट है या फिर वेजिटेबल है, सारे के सारे क्या है, फूड है। दैट मीन्स कि ऑल द कैरेट्स एंड वेजिटेबल आर फूड। तो वेन डायग्राम क्या बना आपका, ये बना। दैट मींस कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आपके पास में थ्री ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है उनके बीच में रिलेशनशिप और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बाय वेन डायग्राम। ओके, अभी एक बार मैं समझा रही हूं, उसके बाद में मेरे साथ साथ सोल्व करना, क्वेश्चन करेंगे आज, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सभी ने लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। ओके, अब देखो इसी तरह से अगर हम कहें फ्लावर, लोटस एंड रोज। अब देखो फ्लावर क्या है,
फ्लावर है अपने पास में, जो फ्लावर है इसके अंदर जो लोटस है दैट इज अगेन फ्लावर, रोज इज फ्लावर, बट लोटस एंड रोज दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स. ओके, दैट मींस जो लोटस है दैट इज फ्लावर, रोज है दैट इज फ्लावर. ओके, तो यहां पे अपने पास में लोटस और रोज दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है दैट मींस कि दोनों को हमने टच नहीं किया. देखो लोटस अलग है रोज अलग है, बट दोनों ही क्या है फ्लावर है, तो वो हमारे पास में फ्लावर के अंदर आ गया. तो कौन सा बन जाएगा इसके अंदर आपके पास में? यस, ये इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा थर्ड, क्या कह रहा, फर्नीचर टेबल चेयर. हियर अगेन यू कैन सी चेयर इज फर्नीचर, टेबल इज फर्नीचर, बट बोथ आर डिफरेंट. सो इन दैट केस अगेन यू हैव डायग्राम लाइक दिस, टेबल चेयर एंड दिस इज फर्नीचर. बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर है? तो इसके ऊपर बेस्ड अब क्वेश्चंस करेंगे, सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? जल्दी जल्दी करते हैं, चलो. हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. देखिए क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास इस तरह से, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस. अब क्लासेस क्या है, एनिमल, लियोपार्ड एंड लायन. अगेन यू कैन सी लियोपार्ड इज एनिमल, लायन इज एनिमल. ओके, बट लायन एंड लियोपार्ड बोथ आर डिफरेंट एनिमल्स. ओके, तो अपने पास में क्या बनेगा, ये लियोपार्ड आ गया, ये लायन हो गया, और ये अपने पास में आ गया बेटा एनिमल. ओके, अब यहां पे मैं साथ में फिर भी मेंशन कर रही हूं कि हाँ जी ये लियोपार्ड के लिए ये लायन है, ये एनिमल है. जो आपके पास डायग्राम होगा वो जस्ट सिंपल जो हो रहा होगा उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी आपने उसका नाम भी मेंशन करना है. तो ये यहां पे देखो, अगर हम देखें तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. डन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ. शाबाश, जल्दी से सोचिए सभी. अब देखो यहां पे आपके पास में हमें पता है कि जो सिटी है, सारे के सारे सिटी, जितने भी सिटी है, सिटी किसके अंदर पड़ते हैं, स्टेट के अंदर, और स्टेट कंट्री के अंदर. दैट मींस क्या आ जाएगा आपके पास में, डी विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल है, सिंपल है. ओके, मींस कि अब वेन डायग्राम के लिए बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए, कि इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए. जो भी आपके पास में क्लासेस गिवन है, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट एंड फीमेल. यस, गुड क्वेश्चन. क्या है, प्रोफेशनल, चार्टेड अकाउंटेंट एंड फीमेल. अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, जो अपने पास में चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है वो क्या है, सारे के सारे प्रोफेशनल होंगे ऑब्वियसली. क्या है, प्रोफेशनल है. दैट मीन्स कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है, दीज आर प्रोफेशनल. ये वाला बन गया पॉइंट. अब दूसरा है इसके अंदर फीमेल. अब फीमेल के साथ में क्या रिलेशन करें. अब देखो, क्या सारे की सारी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं ना. इसी तरह से सारी की सारी फीमेल प्रोफेशनल है, नहीं. बट यू कैन से कि जो कुछ फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और कुछ फीमेल प्रोफेशनल भी हो सकती है. दैट मींस कि यहां पे जो फीमेल का बनेगा वो अलग से बन गया. मींस जो फीमेल है इसके साथ भी बेटा सम का रिलेशन होगा, और इसके साथ भी सम का रिलेशन होगा. ओके, तो अब इस तरह का अपने पास में कहां पे, ऑप्शन ए के अंदर. सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Then, next देखिए, next आपके पास man, rodents and living beings. Man, rodent and living beings. अब आप देखो, man is living being, rodents living being, but both are different from each other. That means what? कि यहां पर आपके पास में क्या हो गया, man and rodent and are living beings. ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी विल बी द करेक्ट आंसर. डन, हां जी, लास्ट में चेक करना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे. अभी आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, ये आपने सभी ने चेक करना है. एक तरह से ये लगा लो कि टेस्ट चल रहा है आप लोगों का. अब यहां पर देखो, नेक्स्ट है मेल, फादर एंड इंजीनियर. अगेन इंपॉर्टेंट, मेल, फादर एंड इंजीनियर. अगेन यू नो
जितने भी फादर है सारे के सारे क्या होंगे, मेल्स है, फादर्स आर मेल, दैट मीन्स कि फादर आर मेल। और हमें पता है कुछ फादर इंजीनियर्स होते हैं, दैट मीन्स कि फादर और इंजीनियर के बीच में रिलेशन क्या है, सम का रिलेशन है। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्लास ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल, क्लास ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल। अब ये देखो कि कौन सा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो क्लास है, क्लास किसके अंदर होती है, स्कूल के अंदर होती है, ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड है वो किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है, दैट मीन्स कि रिलेशन क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। शाबाश, ब्लैक बोर्ड क्लास में, क्लास स्कूल के अंदर। हाँ जी, तो जिन जिन का भी बी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आया है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पता हमें क्या है, ब्लैक बोर्ड इज इन क्लास एंड क्लास इज इन स्कूल, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिनट डेज एंड मंथ। अब यहां पे ध्यान रखो जो सबसेट है ना बेटा वो अंदर आएगा, ठीक है ना, सबसेट अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो मिनट डे एंड मंथ, मिनट डे एंड मंथ। अब हमें पता है मिनट्स आर इन डे एंड डेज आर इन मंथ, तो अगेन आपके पास में क्या आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट, क्रिकेटर मेल एक्टर। हाँ जी ये बताओ, शाबाश, क्रिकेटर मेल एक्टर। देखिए बेटा, अब आपको पता है क्रिकेटर जो है वो मेल हो सकते हैं सारे। अब यहां पे सोचने वाला पॉइंट है, सारे के सारे क्रिकेटर मेल होते हैं या कुछ क्रिकेटर मेल होते हैं, फीमेल भी तो क्रिकेटर हो सकती है, दैट मीन्स कि सम क्रिकेटर आर मेल, सम क्रिकेटर आर मेल, डन। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है यहां पे, क्या है, एक्टर, एक्टर। अब देखो एक्टर का मेल के साथ रिलेशन है क्या, सम एक्टर्स आर मेल, सम मेल आर एक्टर, दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं मेल और एक्टर के बीच में रिलेशन है। तो अब देखो यहां पे दो पॉइंट सोचने के लिए बन रहे हैं कि क्या मैं ऐसे बनाऊं या फिर मैं ऐसे बनाऊं, और हमारे पास में दोनों ही ऑप्शंस हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। अब यहां पे देखो कंफ्यूजन जो है आपकी वो देखो अभी सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पे बात क्या आ रही, अगर जो मेल है सब मेल और एक्टर का तो हमें पता है, अब तीसरा जो था हमारा क्रिकेटर और एक्टर, अब ये देखो क्या कुछ एक्टर क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर एक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने को देखा है कि जो एक्टर्स हैं वो क्रिकेटर हैं, जैसे कि अपने पास में जो क्रिकेटर्स हैं वो आजकल एक्टिंग में भी जा रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि इन दोनों के बीच में भी सम का रिलेशन बन रहा है। जब इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है तो ये वाला नहीं आएगा, कौन सा बनेगा, ये, दैट मीन्स कि क्रिकेटर और एक्टर के बीच में भी तो सम का रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फिर, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए बेटा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पिज्जा एंड मिल्क, लिक्विड पिज्जा एंड मिल्क। हाँ जी कुछ समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से बेटा, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जिन्होंने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। जो न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हाँ जी सभी ने सब्सक्राइब करना है चैनल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और वन मोर थिंग, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लाइव क्लासेस आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए डेली सी सेट के लिए फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हाँ जी देखिए बताइए जल्दी से, आई होप आंसर आ गया होगा सभी का, क्या है लिक्विड पिज्जा मिल्क। अब हमें पता है कि जो मिल्क है, मिल्क कैसा होता है, लिक्विड मीन्स सारा मिल्क लिक्विड होगा, दैट मीन्स कि जो मिल्क है दैट इज लिक्विड। और पिज्जा, पिज्जा का लिंक है इनके साथ में, नहीं पिज्जा तो एक डिफरेंट ही थिंग है, तो पिज्जा ही यहां पे आ गया अलग से। ओके, तो क्या बनेगा आपके पास में, ऑप्शन डी क्या बनेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल कार्निवियर्स एंड टाइगर।
हाँ जी ये बताओ। अब देखो अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स और कार्निवर्स के बीच में क्या रिलेशन है? हमें पता है कि सम एनिमल्स आर कार्निवर्स, या फिर क्या कहोगे आल का रिलेशन रहेगा बेटा सम का रहेगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार आता है ये वाला। तो क्या रहेगा रिलेशन? सम का रिलेशन रहेगा, सम का रिलेशन रहेगा। डन। हाँ जी, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है टाइगर। अगर अब हम टाइगर की बात करें तो सारे के सारे टाइगर क्या है? एनिमल है, सारे के सारे टाइगर एनिमल है। अब दूसरे की बात, जो टाइगर है सारे के सारे एनिमल है। अब माइंड में आता है कि भाई क्या करें, ऐसे कर ले यहां पे टाइगर का बना दे, बट सारे के सारे टाइगर कार्निवर्स भी तो है। दैट मीन्स बट सारे के सारे मांसाहारी होते ना, तो इसका मतलब कि इसके बीच में भी आना चाहिए। दैट मीन्स बट कि जो टाइगर है, टाइगर का पार्ट कहां पे आएगा? जो दोनों के बीच में कॉमन होगा उस एरिया के अंदर। दैट मीन्स कि टाइगर कहां पे आएगा? टाइगर यहां पे आएगा। ओके तो यहां पे अपने पास में आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा यहां पे। क्लियर है बिल्कुल? कोई इसके अंदर डाउट कि डी क्यों किया मैंने? देखो देखो बेटा, जो टाइगर है, अगर मैं बात करूं टाइगर की, तो टाइगर क्या है? सारे के सारे टाइगर एनिमल होते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हो, सारे के सारे टाइगर क्या होते हैं? एनिमल होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे टाइगर कार्निवस भी होते हैं, सारे के सारे मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो टाइगर को हमने कार्निवस के अंदर भी रखना है। ओके, अब अगर हम एनिमल की बात करें सिंपल, तो एनिमल सारे के सारे तो कार्निवस नहीं होते, इसलिए इसके बीच में एनिमल और इसके बीच में हम क्या रखेंगे? सम का रिलेशन रखेंगे। बट टाइगर का जो रिलेशन है, टाइगर बोथ के अंदर ऑल का रिलेशन रख रहा है। दैट मीन्स कि वो दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर ऑल रहेगा। ओके क्लियर? यस। हाँ जी, अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे। फर्स्ट टाइप आई होप सभी को क्लियर है। तो इसके अंदर बेटा सिर्फ प्रैक्टिस है। देखो जितने क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम है, और इसमें टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा बिल्कुल ही, आप ये लगा लो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। अगर एग्जाम के अंदर आता है तो आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप इसको इजीली कर सकते हो। तो इस पे प्रैक्टिस करनी है सभी ने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है सभी ने, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। आप ये लगा लो कि हाँ जी, अगर आप सिर्फ हाफ आवर भी लगाते हो ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हाफ आवर के अंदर आप खुद से कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं हम दूसरी टाइप के अंदर। दूसरी टाइप क्या कहती है? आपके पास वेन डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, एन डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, और उसके बेस पे आपसे कुछ पूछा गया है कि बताइए कि कोई पर्टिकुलर पार्ट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। दैट मींस कि जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन सा पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है जो क्या कह रहे हैं भाई, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इंग्लिश हिंदी एंड तमिल, थ्री सर्कल्स है, थ्री सर्कल्स है इंग्लिश हिंदी एंड तमिल के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब अगर हम ओनली वन लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है कौन सा? ये वाला, दिस इज कॉमन फॉर इंग्लिश एंड हिंदी। मीन्स एल वाले जो है वो क्या इंग्लिश और हिंदी को जानते हैं। मैं डायरेक्ट भी आंसर बता दूं, डायरेक्ट नहीं, बट मैं, मेरा मोटिव है कि आपको समझाया जाए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये इंग्लिश और तमिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट हिंदी और तमिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो एन वाला पार्ट है ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट उसने क्या कहा? ओनली, ओनली, और तो ओनली को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई जे एंड के। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आई प्लस जे प्लस के। ओके, एंड दैट इज ऑप्शन बी। बताइए क्लियर है? नेक्स्ट देखो। Yes, next question is on the screen. Here, the diagram is in the form of triangle, circle and rectangle. Okay? And what they are representing? In the following figure, triangle represent girls. जो triangle है वो किसको represent कर रहा है? Girls को represent कर रहा है. Square players. जो square है ये किसको represent कर रहा है बेटा? Players को represent कर रहा है. And the circle, circle किसको represent कर रहा है? Coach को represent कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच? गर्ल्स हु आर प्लेयर, दैट मींस कि गर्ल ये होगी अपने पास में, ये देखो ये जो पार्ट है दिस इज गर्ल,
अब उसने क्या कहा, हु आर प्लेयर, अब प्लेयर कौन सा है ये। अब इसके अंदर जो कॉमन पार्ट अगर हम देखें तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। बट साथ में उसने क्या, नोट कोच, कोच मतलब सर्कल वाला जो पार्ट अगर इसमें जो है उसको कह रहा है कैंसिल आउट कर दो, तो बच गया क्या, सिर्फ क्यू बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी क्यू विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्यू विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपके पास में डायग्राम गिवन है, वेन डायग्राम गिवन है, और वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग कबड्डी फुटबॉल एंड क्रिकेट। ओके अब क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, स्टडी द डायग्राम, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स, ऑल द थ्री गेम्स, दैट मीन्स कि हमें वो पार्ट चाहिए जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब देखो अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के अंदर ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब सिर्फ कॉमन कॉमन वाला पार्ट रखेंगे हम। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कबड्डी की, तो कबड्डी में ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अभी तक दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है। अगर हम तीसरा बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर ये वाला पार्ट आ गया। अब देखो तीनों में जो कॉमन पार्ट आया वो हमारे पास में कौन सा आया है, ये वाला पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एस विल बी द करेक्ट आंसर, एस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि तीनों के अंदर कॉमन है, जो कि क्या है आपके पास, द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स, ऑल द थ्री गेम्स। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे सभी, ट्राई करो शाबाश, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, इन द फिगर गिवन बिलो स्क्वायर रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, जो स्क्वायर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग डॉक्टर्स। ओके ट्रायंगल रिप्रेजेंट लेडीज, ट्रायंगल का है ये है आपका, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेडीज, एंड सर्कल रिप्रेजेंट सर्जन्स। डन, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, बाय विच लेटर द लेडीज हु आर डॉक्टर एंड सर्जन बोथ, लेडीज लेडीज दैट मींस की दिस पार्ट, ये लेडीज है, इसके अंदर क्या कह रहा है, डॉक्टर एंड सर्जन बोथ, डॉक्टर डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला डॉक्टर का पार्ट है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। और साथ में क्या कह रहा है, सर्जन, सर्जन दैट मीन सर्कल, सर्कल का ये वाला पार्ट, मीन्स इन तीनों में कौन सा पार्ट कॉमन हो गया, ये वाला, और दिस इज टी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, बिल्कुल क्लियर है यहां पे अपने पास में, हाँ जी। इसने यहाँ पे क्या कहा है कि लेडीज, लेडीज मींस ये वाला हो गया, ठीक है। अब लेडीज के अंदर वो क्या होनी चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और साथ में सर्जन भी होना चाहिए, दैट मींस कि तीनों के अंदर कॉमन पार्ट आप फाइंड आउट करोगे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास क्या है आपके पास क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में, हेल्दी पीपल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओल्ड पर्सन, ये रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओल्ड पर्सन, एंड सर्कल रिप्रेजेंट मैन, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, मैन। ओके नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज मैन, दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड, जो कि हेल्दी है बट ओल्ड नहीं है। अब देखो अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मैन, मैन देखो, मैन दैट मींस कि ये वाला पार्ट। ओके उसके बाद क्या करा, हेल्दी, हेल्दी दैट मींस कि ये हेल्दी पीपल है, मींस ये वाला पार्ट। अब इन दोनों के अंदर से देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, है ना, दैट मींस कि ये जो है हमारे पास टू और फोर, टू एंड फोर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्दी और मैन दोनों को, हेल्दी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साथ में इसके अंदर बेटा ये वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है, क्या, ओल्ड पर्सन का, देखो ये वाला जो है ये पार्ट ओल्ड पर्सन में, और ये क्या कह रहा है, बट नॉट ओल्ड, ओल्ड नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप देखो कि जो ओल्ड वाला पार्ट है कौन सा, ओल्ड दैट मींस कि जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है इसको हमें नहीं लेना है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट करना है, दैट मींस कि हेल्दी मैन कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, टू विल बी द करेक्ट आंसर।
जो ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है ना यहाँ पे, वो क्या है कि आपके पास में जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ओनली, नोट, किसको रिप्रेजेंट करा, ओनली मीन्स उस पर्टिकुलर पार्ट को देखेंगे, ठीक है, नोट मीन्स किसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है, बोथ मीन्स किनको कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, जब भी बोथ आ जाता है उस केस के अंदर क्या करेंगे, कॉमन पार्ट देखेंगे हम, ठीक है, ओनली दैट मीन्स कि सिंगल सिंगल पार्ट को हम देखेंगे, नोट दैट मीन्स कि उसको कैंसिल आउट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट विजिबल, देखिए क्या है आपके पास, एक मिनट डार्क कर देती हूं मैं इसको। यहाँ पे क्या है आपके पास, एक फिगर है जिसके अंदर जो एक रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सफेद को, व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इसके बाद आपके पास में स्वीट, स्वीट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग स्वीट, दिस इज ट्रायंगल, ओके। और दूसरा एक और पॉइंट है एप्पल, एप्पल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। आई होप अब सभी को विजिबल है, विजिबल है सभी को। तो अब देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी व्हाइट एप्पल आर देयर, देयर व्हाइट एप्पल आर देयर। अब यहां पे क्वेश्चन है व्हाइट एप्पल, व्हाइट एप्पल मींस मुझे क्या चाहिए, व्हाइट भी चाहिए एप्पल भी चाहिए, दैट मींस व्हाट, बोथ पॉइंट्स शुड बी देयर। तो क्या होना चाहिए, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, व्हाइट एप्पल। अब देखो व्हाइट कहां पे, ये वाला पार्ट हमारा व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे देखो आप, हां जी बेटा, व्हाइट और एप्पल के बीच में कौन सा पार्ट कॉमन है हमारे पास में, ये वाला पार्ट कॉमन है हमारे पास, ये एप्पल है, ठीक है, और ये व्हाइट है, ये वाला जो पार्ट है ये व्हाइट नहीं है। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 37 एंड 36। अब दोनों को आप ऐड करोगे कितना आ गया, 73। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 73। क्लियर। अभी यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूं, अगर आपके पास में यहां पे आ जाता व्हाइट एप्पल, सिर्फ व्हाइट एप्पल, उसने ये तो नहीं कहा कि स्वीट है या नहीं है, इसने स्वीट का तो कुछ नाम लिया ही नहीं बीच में। अगर आपके पास में स्वीट गिवन नहीं है तो इन दैट केस आप स्वीट को इंक्लूड करोगे, बट यहां पे ही अगर अपने पास में आ जाता व्हाइट एप्पल दैट आर नॉट स्वीट बट नॉट स्वीट, अब आंसर क्या आता, इसका आंसर था आपके पास 73। अब आंसर क्या आता, दैट मींस कि जो स्वीट वाला पार्ट है वो हमने कैंसिल आउट करना है। स्वीट वाला पार्ट कौन सा है आपके पास में, ट्रायंगल, दैट मींस कि इसके अंदर जो ट्रायंगल के अंदर जो कॉमन आ रहा है उसको आपको कैंसिल आउट करना है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं और आपका आंसर आता सिर्फ 37। अभी कोई इसमें डाउट, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स आते हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। अगर आपके पास में ये क्या होता कि स्वीट नहीं है तो स्वीट वाला पार्ट हम कैंसिल कर देते, बट यहां पे सिर्फ उसने पूछा था कि व्हाइट एप्पल, अब व्हाइट एप्पल दैट मे बी स्वीट और नॉट, इट डजंट मैटर, तो यहां पे आपके पास में दोनों को आपने कंबाइन करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हां जी विजिबल है, विजिबल है, टैग कर देती हूं मैं एक मिनट, हां जी देखिए एक बार डार्क कर देते बेटा। यहां पे देखो जो ट्रायंगल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक, सर्कल स्वीट, एंड दिस रेक्टेंगल ड्रिंक, एंड दिस स्क्वायर इज कोल्ड, ओके। आई थिंक अब विजिबल है सभी को, हाँ जी। आप आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहे इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट कोल्ड ड्रिंक विच इज ब्लैक एंड स्वीट, क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक ब्लैक एंड स्वीट। अब यहां पे कोल्ड भी चाहिए मुझे, ठीक है, ड्रिंक भी चाहिए विच इज ब्लैक एंड स्वीट, ब्लैक भी होनी चाहिए और स्वीट भी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि सारा चाहिए हमें, दैट मीन्स कि चारों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो हमारा आंसर होगा, ओके। यहां पे आप देखो, हाँ जी, कोल्ड, कोल्ड मीन्स व्हाट, दिस रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में कोल्ड, कलर चेंज कर देते एक मिनट, हाँ जी दिस इज कोल्ड, ठीक है। अब दूसरा ड्रिंक, ड्रिंक की बात करेंगे, अब देखो इसके अंदर और इस स्क्वायर के अंदर,
स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट कौन सा आपके पास में? ये वाला पार्ट कॉमन है, दिस इज कॉमन पार्ट, ओके। साथ में उसने क्या कहा है? साथ में क्या है? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर भी जो पार्ट आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ट्रायंगल का भी इसके बीच में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और साथ में स्वीट भी होना चाहिए, स्वीट दैट मीन्स कि सर्कल वाला चाहिए मुझे। अब सर्कल के अंदर तो सिर्फ यही वाला पार्ट आ रहा है हमारा सेवन, ये तो आ नहीं रहा, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? सेवन आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे आपके पास? सेवन आ जाएगा। क्लियर? क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको? हाँ जी, क्या आ जाएगा आपके पास? सेवन विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन? आई होप विजिबल है सभी को। हाँ जी बेटा, विजिबल है। देखो क्या, एक बार डार्क कर देती हूँ, ये आपके पास में रेक्टेंगल, ये है मेल, दिस इज ट्रायंगल दैट इज रिप्रेजेंटिंग टॉल, एंड दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग क्रिकेटर, ओके। अब देखिए क्या है, इन विच इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट मेल क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर हु आर अडल्ट बट नॉट टॉल, टॉल नहीं होने चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है? मेल क्रिकेटर। अब मेल और क्रिकेटर में देखो, मेल मेल दैट मीन्स की दिस पार्ट, ठीक है, क्रिकेटर दैट मीन्स की सर्कल। अब इन दोनों के अंदर कौन सा पार्ट कॉमन है? ये वाला पार्ट कॉमन है। अब ये हो गया, अब उसने साथ में क्या हुआ, अडल्ट बट नॉट टॉल मीन्स की ट्रायंगल वाला पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए, बट ये जो अपना जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वाला पार्ट चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर ये वाला पार्ट आ रहा था, तो इस पार्ट को हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये है टू, अब ये देखो सभी में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दैट मीन्स ये मेल के अंदर है। देखो चेक करो, कैसे चेक करोगे? मेल, मेल के अंदर है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसने कहा क्रिकेटर, क्रिकेटर के अंदर है, सर्कल के अंदर भी है ये वाला पार्ट। तीसरा क्या कह रहा है, क्रिकेट हुआर अडल्ट, अडल्ट के अंदर भी है ये वाला पार्ट। और तेरा टॉल नहीं आना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के अंदर तो नहीं आ रहा गलती से, ये उसको हमने कैंसिल आउट करना है, तो उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? टू विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट स्टील बोटल विद कैप, स्टील बोटल विद कैप। अब यहां पे देखिए, ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये बोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सर्कल स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैप जो जो अपना स्क्वायर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैप, ओके। अब उसने क्या कहा है, स्टील बोटल विद विच आर कैप, स्टील भी चाहिए हमें, बोटल विद कैप, दैट मीन्स कि तीनों चीजें होनी चाहिए, दैट मीन्स कि तीनों में जो कॉमन पार्ट है, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे देखो, तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है आपके पास? तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है बेटा ये वाला, ओके। अब देखो, ये कैप में है, ठीक है, स्टील के अंदर आ रहा है, बोटल में भी आ रहा है, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगर देखो कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ में अपने व्यूज बताने हैं कि आप लोगों को क्या लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि अभी पीडिया की तरफ से सी सेट के लिए लाइव क्लासेस आए, तो उसके लिए सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि डेली हमें लाइव क्लास चाहिए, ठीक है। इफ यू रिक्वायर इन दैट केस, हम लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, बट अभी आप लोगों की वोट चाहिए मुझे, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ये, और हाँ, ये एक एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवा रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी ने ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, दिस इज टोटली फ्री, ठीक है। तो अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर हु लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंट। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल मैरिड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या कह रहा है कि विच लेटर मैरिड टीचर, मैरिड टीचर, मैरिड टीचर मींस अपने पास में क्या चाहिए मुझे, इन दोनों में कॉमन पार्ट, हु लिव इन जॉइंट फैमिली, हु लिव इन जॉइंट फैमिली दैट मींस इसमें भी कॉमन, दैट मींस तीनों में जो कॉमन पार्ट है, दैट विल बी योर आंसर। तो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है?
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच लेटर मैरिड पीपल. अब देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन है. क्या कह रहे हैं कि मैरिड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली बट नॉट स्कूल टीचर. मैरिड पीपल, अब देखो मैरिड पीपल दैट मीन्स की ये वाला पार्ट है अपने पास में. मैरिड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली मतलब सर्कल और इसके अंदर दोनों में कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट सर्कल. अगर हमारे पास देखें तो ये आ गया, ठीक है, सर्कल और इसके अंदर. बट नॉट स्कूल टीचर, स्कूल टीचर मीन्स ट्रायंगल वाला पार्ट कैंसिल आउट करना है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा. तो क्या आ जाएगा आपके पास अगेन यहां पे, उसने क्या कहा है, मैरिड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली बट नॉट स्कूल टीचर. मैरिड पीपल, मैरिड पीपल जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं, ठीक है जी, जॉइंट फैमिली के अंदर जो रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं मतलब कि जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है. बट उसने कहा स्कूल टीचर नहीं होने चाहिए, स्कूल टीचर नहीं होने चाहिए. दैट मीन्स कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कैंसिल आउट करना है हमने, ट्रायंगल को कैंसिल आउट करना है. तो यहां पे देखो बेटा, जो पार्ट हमारा सर्कल, क्या ध्यान रखना है, सर्कल और रेक्टेंगल दोनों के बीच में कॉमन है बट ट्रायंगल नहीं आना चाहिए. अब देखो ट्रायंगल को हटा दो, इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन है. कौन सा, ये वाला. ये देखो ट्रायंगल को हमने रिमूव कर दिया, ट्रायंगल को छोड़ दिया, और अब इन दोनों में हमने कॉमन पार्ट देखा, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, एस. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, एस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बाय विच लेटर द पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली, हु लिव इन जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली दैट मीन्स कि सर्कल में होना चाहिए बट नीदर मैरिड नॉर टीचर, ना तो टीचर होने चाहिए ना तो मैरिड होने चाहिए, ठीक है, बट सिर्फ जॉइंट फैमिली. दैट मीन्स कि वो वाला पार्ट सर्कल का जो कि इन दोनों में कहीं भी नहीं आ रहा. मीन्स इस ट्रायंगल को रिमूव कर दो, हटा दिया हमने, ठीक है, इस रेक्टेंगल को भी हमने रिमूव कर दिया. अब बच गया क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, वो क्या है आपके पास, टी. तो आंसर क्या आ जाएगा, टी. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप सभी को क्लियर है, जो भी अभी आपने मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया सभी को क्लियर हो गया. फिर भी कोई डाउट आते हैं, दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके दूसरा ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज में जाके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे. अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो अगेन वीडियो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. माइक्रो कोर्सेज एक बार चूज जरूर करके देखेंगे आप लोग, सभी ने चेक करना. कोई भी टॉपिक आपको चाहिए जो आपका वीक है, आप वहां से वीडियो कोर्सेज ले सकते हो, स्टडी नोट्स ले सकते हो, इसके अलावा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, एक बार सभी ने एक्सप्लोर करना. ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर.